हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बात करेंगे कंसेंट ऑफ स्पाउस के केसेस में क्या करना है हमको, कुछ आईपीसीज जो हमारी कंसेंट से डील करती है और कुछ टर्म जिसका रियल मीनिंग क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं आज की सीरीज में। ठीक है, तो कंसेंट ऑफ स्पाउस, जैसे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात करी थी, 53, 54, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम लोग बात करेंगे कंसेंट ऑफ स्पाउस कहाँ पर लीगली रिक्वायर्ड होती है या कहाँ पर लीगली रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसी भी कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमें ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो कंसेंट ऑफ स्पाउस में अगर हम समझें तो ये कंसेंट हमारी लीगली रिक्वायर्ड होती है। किसकी? पार्टनर स्पाउस की जो कंसेंट होती है वो लीगली रिक्वायर्ड होती है हमारी कहाँ पर? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केस में। ठीक है, और किस केस में? फॉर द डोनेशन ऑफ ओवम और स्पर्म। तो केवल इन्हीं दो सिचुएशन में जो कंसेंट होती है स्पाउस की वो हमारी लीगली रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ फॉर रिसीविंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फॉर द डोनेशन ऑफ ओवम और द स्पर्म। अब दूसरी सिचुएशन हमारी क्या है? लीगली अगर हम देखें तो कंसेंट जो है स्पाउस की वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन हमें ले लेनी चाहिए। क्यों? टू अवॉइड द मैरिटल कन्फ्लिक्ट लेटर। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी सिचुएशन होती है? लाइक एमटीपी। एमटीपी मींस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हम लोगों को पता है इसके लिए कंसेंट जो है प्रेग्नेंट वुमेन की चाहिए होती है जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर की हो। यहाँ पर कंसेंट हस्बैंड की नहीं चाहिए होती है, लेकिन फिर भी अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन रिपीटेड एमटीपी कराती हैं अपने हस्बैंड को कंसल्ट किए बिना या इन्फॉर्म किए बिना, तो ये हमारा क्या होता है? इट अमाउंट्स टू क्रुएल्टी टू हस्बैंड। तो ये एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के लिए। ठीक है, तो वैसे अगर हम कहें तो लीगली ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ले लेनी चाहिए। सेकंड हमारा क्या है? स्टरलाइजेशन। इस केस में भी हमारा ले लेनी चाहिए कंसेंट। और तीसरा हमारा क्या सिचुएशन है? कोई भी ऑपरेशन जो अफेक्ट करता है सेक्सुअल लाइफ को, लाइक ब्रेस्ट रिडक्शन, पेनेक्टमी एंड पेनिस ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो दो सिचुएशन है जहां पर लीगली रिक्वायर्ड था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केस में या डोनेशन ऑफ ओवम और स्पर्म के केस में। सेकंड हमारा लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए लेना चाहिए, एमटीपी के केस में, स्टरलाइजेशन के केस में, या कोई भी ऑपरेशन जो अफेक्ट करता है सेक्सुअल लाइफ को। ठीक है, फिर हमारे कुछ आईपीसीज होती हैं जो कंसेंट से डील करती है। इसमें हमारा सबसे पहले आता है सेक्शन 87 आईपीसी। जो हमारी सेक्शन 87 आईपीसी है, इट इज़ नॉट मेंट फॉर डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पर बेसिक चीज़ क्या है? किसी भी रिस्की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कंसेंटिंग पर्सन है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मोर देन 18 ईयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 87 आईपीसी है। ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है। क्यों? बिकॉज द एक्ट जो परपेट्रेटर कर रहे हैं इज़ नॉट डन इन द गुड बेनिफिट या गुड फेथ, है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ द अपोजिट पार्टी। ठीक, हेयर द एक्ट बाय द परपेट्रेटर मस्ट नीदर बी इंटेंडेड और नॉर नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और द ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी किससे डील करती है? 87 आईपीसी से डील करती है। तो बेसिक चीज़ ये है, किसी भी रिस्की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो उम्र होनी चाहिए मोर देन और इक्वल टू 18 ईयर। ठीक, सेकंड हमारा जो 88 आईपीसी है, इट इज़ मेंट फॉर डॉक्टर, क्योंकि जो एक्ट डॉक्टर कर रहे हैं वो गुड फेथ में कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द अपोजिट पार्टी। ठीक है, तो जैसा हमको पता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो कंसेंट की उम्र थी वो मोर देन और इक्वल टू 12 ईयर थी, इसीलिए कंसेंटिंग पर्सन की उम्र जो है 88 आईपीसी के अकॉर्डिंग मोर देन और इक्वल टू 12 ईयर होनी चाहिए। तो दो आईपीसी हम लोगों ने देख ली। ठीक है, सेकंड हमारी क्या है? 89 आईपीसी है। 89 आईपीसी हमारी डील करती है माइनर के साथ, मीन्स एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड जिसकी उम्र 12 साल से नीचे की है, या कोई व्यक्ति जो भले ही 12 साल से ऊपर का है लेकिन अनसाउंड माइंड है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आप विद द कंसेंट ऑफ गार्जियन कर रहे हो तो ये हमारा पनिशेबल नहीं होता। 87 नॉट मेंट फॉर डॉक्टर, रिस्की एक्टिविटी मोर देन और इक्वल टू 18 ईयर,
ठीक है। फिर हमारा 88 मेंट फॉर डॉक्टर मोर देन और इक्वल टू 12 ईयर, 89 में हमारा लेस देन 12 ईयर है, अनसाउंड पर्सन है, तो कंसेंट अगर गार्जियन की है तो ये हमारा एक्ट पनिशेबल नहीं होता। 90 IPC हमें बताता है कि कब जो कंसेंट होती है वो इनवैलिड हो जाती है, तो कोई भी कंसेंट अगर ली गई है अंडर द फियर ऑफ इंजरी, ठीक है, या फिर बच्चे की जो उम्र है वो 12 साल से नीचे की है, या आपने कंसेंट ली है लेकिन अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट ली है, ठीक है, या फिर वो व्यक्ति जो है क्या है मेंटली अनसाउंड पर्सन है, ठीक है, या आपने कंसेंट ली है अंडर द इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, तो इनमें से कोई भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आपने कंसेंट ली है तो जो सेक्शन 90 IPC है वो कहता है कि ऐसी कंसेंट जो है वो इनवैलिड है, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने समझा है कि कंसेंट कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, पर्सनल होनी चाहिए और वॉलेंट्री होनी चाहिए, दैट इज़ ऑफ हिज ओन अकॉर्ड्स। फिर एक टर्म आता है हमारा लोको पेरेंटिस, ठीक है, तो नाम में ही क्या है, पेरेंटिस मीन्स इन प्लेस ऑफ पेरेंट्स, तो जब कभी कोई इमरजेंसी होती है और इस सिचुएशन में पेरेंट्स अवेलेबल नहीं हैं तो उस समय जो पर्सन इंचार्ज होते हैं चाइल्ड के लाइक स्कूल टीचर, हॉस्टल वार्डन, तो वो कंसेंट दे सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स, तो ये हमारा टर्म कहलाता है लोको पेरेंटिस। तो नाम में ही अगर हम जाएंगे तो नाम में क्या है, पेरेंटिस मीन्स इन प्लेस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, तो वहाँ पर किसकी कंसेंट काम कर जाएगी, जो भी उस समय पर्सन इंचार्ज होते हैं चाइल्ड के लाइक स्कूल टीचर और हॉस्टल वार्डन, लाइक जैसे बच्चों को हम लेके गए हैं पिकनिक पे, ठीक है, कोई वहाँ इमरजेंसी सिचुएशन होती है किसी बच्चे के साथ, कंसेंट की ज़रूरत है अब गार्जियन या पेरेंट्स वहाँ पर है नहीं, तो स्कूल टीचर जो है वो कंसेंट दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें जानना कंसेंट का स्टेट मैंडेटेड नेशनल प्रोग्राम में क्या होता है, तो जो भी स्टेट मैंडेटेड नेशनल प्रोग्राम होते हैं लाइक पल्स पोलियो वैक्सीनेशन, तो इन सिचुएशन में किसी भी कंसेंट की हमको आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एक चीज़ और है जानना, कंसेंट जो है इलीगल एक्ट के लिए लाइक क्रिमिनल अबॉर्शन के लिए वो इनवैलिड ही रहती है, जैसे आप कहें कि नहीं आपने क्रिमिनल अबॉर्शन किया था लेकिन उस महिला की कंसेंट के साथ किया था, ठीक है, तो इलीगल एक्ट्स के कंडीशन में हमारी जो कंसेंट है वो कैसी मानी जाएगी, इनवैलिड ही मानी जाएगी, ठीक है। एक टर्म होता है डामा या फिर लामा, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, डामा का मतलब होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस और लामा भी यही है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते हैं, भले ही आप उनको एडवाइस कर रहे हो कि अगर आप 2-3 दिन तक और रुकेंगे तो आपकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी, अभी रिस्की है जाना, तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर वो डिनाई कर रहे हैं तो इसी चीज़ को हम लोग लामा या डामा कहते हैं, तो सारे डेंजर्स आप एक्सप्लेन करेंगे क्लियरली इन राइटिंग, ठीक है, फिर उसकी विश जो होती है वो रिकॉर्ड करेंगे केस शीट में और उनके सिग्नेचर आप ले लेंगे उस केस शीट पे, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं लामा या फिर डामा। तो आज हम लोगों ने कुछ सिचुएशंस और देखी जहाँ पर हमको कंसेंट से कैसे डील करना है। थैंक यू।